अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने वाले हैं सिंपल सी रेसिपी मटन शोरबा। तो इसे बनाने के लिए प्रेशर कुकर में हमने 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने रख दिया है। ये रेसिपी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम डेली घर में बनाते हैं। तो प्रेशर कुकर में तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज, जिसे हमने पतला काट लिया है। तो प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1/2 किलो मटन। मटन अच्छी तरह भून लिया है। मटन को थोड़ी देर भूनने के बाद में 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट थोड़ी देर इसे भी भून लेंगे। अदरक और लहसुन को थोड़ी देर भूनने के बाद में इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो पाउडर मसाले में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भरकर नमक, 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 3 मीडियम साइज के टमाटरों को बारीक काट लिया है ये डाल देंगे। और ये सारी चीजों को थोड़ी देर हम भून लेंगे। इसको हम यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद में इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले। तो तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, शाहजीरा, दालचीनी और बड़ी इलायची ये डाल देंगे। 4 से 5 मिनट इसे हम और भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद में इसमें हम डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी। तो यहाँ हमने 1 गिलास पानी डाला है। अगर आपको लगे कि 1 गिलास पानी में मटन अच्छे से नहीं गलेगा तो फिर आप थोड़ा सा पानी और बढ़ा दें। अब लगा देंगे हम इसका ढक्कन और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। मटन को हमें अच्छे से गलाना है। आप इसे तब तक पकाएं जब तक ये मटन अच्छी तरह गल नहीं जाता। चलिए तो अब मटन को हम देख लेते हैं। मटन अच्छी तरह गल गया है ये देखिए। और यहाँ गैस को हम फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर ही इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह भून गया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो शोरबा आप अपने हिसाब से कर लें, जैसा पतला या गाढ़ा आपको पसंद हो उस हिसाब से पानी डाल लें। हम इसमें डाल लेंगे 1 गिलास के करीब पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने 1 गिलास पानी डाला है। ग्रेवी ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ही पतली है। तो अब हम गैस को मंदा करेंगे और इसे 8 से 10 मिनट पका लेंगे। अब इसे हम ढककर 8 से 10 मिनट पका लेंगे। तो गैस को हम करेंगे बिल्कुल मंदा और मध्य फ्लेम पर रखकर ही इसे पकाएंगे। 8 से 10 मिनट ढककर पकाने के बाद में मटन शोरबा बनकर तैयार है। गैस को करेंगे हम बंद और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलिए तो इसे कर लेते हैं अब हम डिश आउट। मटन शोरबा बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।